आगर मालवा में खेत में काम कर रहे एक मजदूर को करंट लग गया। उसे अस्पताल में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। दरअसल उज्जैन रोड पर एहते शाम उल्लाह का खेत है, इस पर मजदूर काम कर रहे थे। इन्हीं में से एक पिरावा राजस्थान का कालू जैन घास का भारा लेकर जा रहा था। हाई टेंशन लाइन के नीचे से गुजरते समय वह करंट की चपेट में आ गया। यहां से हाई टेंशन लाइन केवल 5 से 6 फीट ऊपर से गुजर रही है। इस समस्या को लेकर खेत मालिक विभाग को अवगत करा चुके हैं, बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया। पिछले 2 वर्षों से मैं बिजली विभाग को आवेदन दे चुका हूं। 2019 में मैंने आवेदन दिया, उसके बाद भी मैं कई बार जाके बोल चुका हूं। ये मेरी निजी संपत्ति पे सरकारी लाइन जा रही है और जमीन से आप देखिए 5 फीट ऊपर है जमीन से। और आज ही मेरे साथ हादसा हुआ, मेरा कर्मचारी अभी एडमिट है सिविल हॉस्पिटल में, सीरियस कंडीशन में एडमिट है, उसको करंट लग चुका है यहाँ पे सर में इसकी वजह से ही। और बिजली विभाग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। किसी भी चीज़ का आप आवेदन दो, आपको उसका रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है बिजली विभाग। ये आज मेरे साथ हादसा हुआ, ये और भी बड़ा हो सकता था, और अभी भी उसका कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बच जाएगा या कुछ भी ऐसी। सुसनेर प्रखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत डोंगर गांव में छात्राओं को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा। इंडियन बैंक छात्राओं को एजुकेशन लोन देने में आनाकानी कर रहा है, इस वजह से छात्राओं को हायर एजुकेशन में काफी दिक्कत आ रही है। गुरुवार को BDS कर रही अंजलि गुप्ता और BSc नर्सिंग कर रही कविता राठौर, संजा जांगड़े, मांगी दांगी ने बताया कि 8 महीने से एजुकेशन लोन के लिए भटक रही हैं। इंडियन बैंक में उनकी फाइल पेंडिंग है, ऐसे में छात्राओं को आगे की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। इस संबंध में बैंक मैनेजर कुमार देवाशीष का कहना है कि फाइल वरिष्ठ कार्यालय से अप्रूव नहीं की गई है, इसलिए छात्राओं को लोन नहीं दे सकते। इंडियन बैंक डोंगरगांव में लोन के लिए अप्लाई किया था एजुकेशन लोन के लिए, तो अभी 8 महीने हो गए हैं, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। सरकार बोलती है कि जो बेटियां हैं उनको 0% ब्याज पे इनको लोन मिल जाता है, पर हमको अभी कोई लोन का मतलब इनसे नोटिस नहीं आया मैनेजर से। सर मैंने इंडियन बैंक में अप्लाई किया था एजुकेशन लोन के लिए, अभी तक कोई अप्रूवल नहीं आया है। अब बैंक में जाते हैं, 8 महीने से जाते रहते तो बोलते हैं कि आएगा आगे, हमने फाइल भेज दी है आगे से आएगा तब है आगे। मैं BSc नर्सिंग कर रही हूँ, मैं नर्स बनना चाहती हूँ। मैंने डोंगरगांव इंडियन बैंक में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया था, बट अभी तक कुछ आया नहीं है मेरा। वो बोलते हैं कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स आगे भेज दिए हैं, जब वहाँ से कुछ सूचना आएगी तो हम आपको कॉल करके बता देंगे। सर हमने इंडियन बैंक में सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए फाइल के लोन के लिए, पर वो सर बोलते हैं कि अभी तक फाइल नहीं पहुँचाई उन्होंने आगे। फाइल यही रखी है बैंक में, आगे पहुँचाई नहीं इन्होंने फाइल। शासन से हम ये मांग करते हैं कि जो आपने वादा किया है या जो आपने एजुकेशन लोन के लिए पद्धति बनाई है, उसके आधार पे मेरी बेटी को लोन दिलाया जाए।